अंतर्राष्ट्रीय उड़ान लाइसेंस पाने के लिए सरकार के नियमों के कथित उल्लंघन करने और मंत्रियों को कथित रिश्वत देने के मामले में निजी विमानन कंपनी एयर एशिया फंस गई है। एयर एशिया को अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस और विदेशी निवेश के लिए FIPB मंजूरी के लिए UPA सरकार के एक उड्डयन मंत्री को $50 लाख की रिश्वत दी गई। एयर एशिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मृत्युंजय चंदेलिया ने यह खुलासा किया है। चंदेलिया ने बताया कि तत्कालीन उड्डयन मंत्री को सिंगापुर के एक बैंक के जरिए ये रिश्वत दी गई। CBI अब इस मामले में UPA2 सरकार में मंत्री रहे दो नेताओं की भूमिका की जांच करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर एयर एशिया ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। बुधवार को केस से संबंधित सबूतों की तलाश में एयर एशिया के दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस केस में अधिकारियों के ईमेल, रिश्वत और सरकारी नोट CBI के लिए अहम सुराग साबित होंगे। हालांकि एयर एशिया इन सभी आरोपों से इंकार करती रही। CBI की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि यह साजिश 2014 के लोकसभा चुनाव से एक महीना पहले रची गई। यह मामला अन्य बातों के अलावा एयर एशिया और टाटा ग्रुप के सीनियर अधिकारियों के बीच ईमेल से हुई बातचीत पर आधारित है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में एयर एशिया के एक्स CEO के हवाले से दावा किया जा रहा है कि UPA के दूसरे कार्यकाल के दौरान उड्डयन मंत्री को करोड़ों रुपए की रिश्वत भी दी गई। ऐसा एक मेल CBI के पास, जिसमें टाटा ग्रुप के एक टॉप एग्जीक्यूटिव द्वारा कथित रूप से तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर अजीत सिंह की ओर से व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिला रहे हैं। वेंकट रमणन का नाम भी FIR में है। मेल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के हेड के नाम पर यह भरोसा दिलाया गया है कि इन्वेस्टमेंट प्लान पर कदम बढ़ाए जाए। हालांकि निवेश की योजना को अक्टूबर 2013 में ही कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका था। CBI की FIR में एयर एशिया मलेशिया के समूह CEO एंथनी फॉर्मिस, टोनी फर्नांडिस के अलावा ट्रेवल फूड के मालिक सुनील कपूर, एयर एशिया के निदेशक आर वेंकट रमन, एविएशन एडवाइजर दीपक तलवार, सिंगापुर की SNR ट्रेडिंग के निदेशक राजेंद्र दुबे और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के नाम FIR में शामिल हैं।